तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं हरिद्वार की एक और नई धर्मशाला में। जैसे कि आपको पता है, मैंने इन्हें आपके लिए धर्मशाला और होम स्टे वगैरह लेके आता हूं। तो आज मैं आपके लिए हरिद्वार की एक और धर्मशाला लेकर आया हूं। मात्र यहां पे 400 और 500 से यहां पे रूम स्टार्ट होते हैं। दोस्तों इस धर्मशाला का नाम है तपा धर्मशाला। चलिए आपको दिखाते हैं रूम वगैरह, और रूम की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। ये सामने देख रहे हैं, ये रोड है जो हरिद्वार से आती है देहरादून के लिए। ये है ये रोड, और यहीं पे पड़ती है तपा धर्मशाला। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये है धर्मशाला का ऑफिस जहाँ से आप कमरे बुक करेंगे। नमस्ते अंकल जी। तो अंकल यहाँ पे अभी कमरे कितने से स्टार्ट हैं इस टाइम पे? सिर्फ 400 रुपये से। 400 रुपये से स्टार्ट हैं। और एसी रूम भी है आपके पास? एसी रूम भी ऐसे ज़्यादा हैं। वो कितने तक के? 600-800 तक है कल। मिला के गर्मियों में कोई आता है ना, तो उस हिसाब से रेट तब रहेगा। ठीक है, आप कमरे एक दिखा दीजिए 400 रुपये वाला। ये कौन सा वाला देख रहे हैं? हाँ पहले ये कितने वाला जो ये है सामने? 1000 का है। अच्छा देख लो कोई बात। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ 1000 रुपये वाला कमरा, वहाँ से ये देखिए, ये है 1000 रुपये वाला कमरा। ये देखिए दोस्तों, दो डबल बेड लगे हैं इस कमरे में, एक ये है और एक ये है, मात्र 1000 रुपये में, और प्लस आपको एसी भी मिल रहा है इसमें। ये देख लीजिए, एसी के साथ अटैच वॉशरूम है इसमें, ये मिलेगा साथ में अटैच वॉशरूम, गीज़र, सारी फैसिलिटीज़ के साथ, मतलब जितने एक होटल में फैसिलिटीज़ मिलती है। और कमरे की कंडीशन भी देख लीजिए आप, काफ़ी अच्छी और साफ़ सुथरी कंडीशन है, और बहुत ही बेहतरीन कमरे हैं यहाँ पे। ये देख लीजिए, इस कंडीशन के साथ ये वाला जो रूम है डबल बेड के साथ, दो डबल बेड के साथ, मात्र 1000 रुपये में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देख लीजिए, ये काफ़ी बड़ी धर्मशाला है ये। इसके अलावा यहाँ पे पार्किंग वगैरह के लिए फैसिलिटी है क्या? फोर व्हीलर पार्क हो सकती है यहाँ पे, फोर व्हीलर टू व्हीलर है ना? ठीक है, पार्किंग की फैसिलिटी भी आपको यही मिल जाएगी। और यहाँ पे मतलब क्या क्या बाउंडेशन है, मतलब शराब जैसे शराब नहीं पीनी है यहाँ पे? नशा कोई भी है, नशा वगैरह नहीं करना। और टाइमिंग क्या रहती है अंदर आने बाहर जाने की? जैसे रात को नौ बजे तक अंदर आ जाना है। ठीक है, सुबह 5 बजे खुलता है? सुबह 5 बजे खुलता है, उसके बाद ही बाहर जा सकेंगे। तो ये टाइमिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अच्छा अच्छा सिंगल आदमी को ना? हाँ हाँ, नहीं जैसे अगर दो तीन लड़के आते हैं तो तब तो मिल जाएगा ना? तब मिल सकता है। या फैमिली आती है, पति पत्नी और पूरा परिवार आता है, वो मिल जाएगा। ठीक है, और एक 400 रुपये वाला रूम भी दिखा दीजिए ज़रा। और अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 400 रुपये वाले रूम की कंडीशन। ये देख लीजिए, 500 का ये वाला। ठीक है, 500 रुपये वाला रूम, ये देख लीजिए, ये 500 रुपये वाला रूम है, और इसमें एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है। मतलब मुझे लगता है यहाँ पे 4-5 आदमी सो सकते हैं, अगर एक परिवार है तो 4-5 आदमी बड़ी आराम से। इसमें टॉयलेट है, बाथरूम है। अच्छा, तो एक अटैच वॉशरूम इसमें सब कुछ है। ये देख लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर अटैच वॉशरूम रहे तो ज़्यादा सही रहता है फैमिली के साथ, क्योंकि जहाँ पे कॉमन वॉशरूम रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोगों की भीड़ हो जाती है, फिर कई बार गंदगी वगैरह ज़्यादा हो जाती है। तो इस हिसाब से रूम की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है, और फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी ज़्यादा लोग एक साथ रुक सकते हैं, तो आपको खर्चा भी यहाँ पे कम बैठेगा। ये रूम है 500 रुपये का, यानी जिसमें एक डबल बेड और एक सिंगल बेड लगा हुआ है आपको मिलेगा। दोस्तों अब आपको लेके चलते हैं 400 रुपये वाला रूम दिखाने के लिए। अभी हमने आपको दिखाया 500 रुपये का रूम, और 1000 वाला दिखाया एसी रूम। तो आप कमेंट करके बता दे रहे ना कि आपको कौन सा वाला रूम अच्छा लगा। बाकी आप अगर आना चाहते हैं यहाँ पे तो कांटेक्ट कर लेना, आपको लास्ट में अभी कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, और आप यहाँ पर कॉल करके कमरे बुक करा सकते हैं। चलिए आपको दिखा दें 400 वाला रूम। देखिए दोस्तों, लोकेशन तो बहुत अच्छी है और बहुत हरिद्वार के पास ही है ये। ये देख लीजिए, ये वाला जो रूम है इसमें एक सिंगल डबल बेड लगा हुआ है, और बस मतलब 2-3 लोग इस रूम में रुक सकते हैं, और अटैच वॉशरूम मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये देख लीजिए, अटैच वॉशरूम है इसमें,
और बेसिक फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि पंखा होगा और बेड होगा, मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ के साथ। जिसका बजट कम है, सस्ते में रुकना चाहते हैं, तो 400 रुपये कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं है। यहाँ पे काफ़ी कम रेट पे आपको यहाँ पे रूम मिल जा रहे हैं और रूम की कंडीशन भी काफ़ी यहाँ पे अच्छी है। ये देख लीजिए, रूम काफ़ी सारे हैं, देखिए जहाँ तक आप देखेंगे कई सारे रूम हैं यहाँ पे। तो जब भी आप आना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं, मैंने आपको लोकेशन बता दी है। इसके अलावा इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं पूछ लेता हूँ, ताकि अगर आपको ये पता करना हो कि रूम खाली है अभी या नहीं है, तो आप फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। चलिए आप उनसे बात करते हैं और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके लिए ले लेते हैं। अब दोस्तों ये देख लीजिए, ये तो है पार्किंग की जगह, पार्किंग स्पेस भी काफ़ी बड़ी है। फोर व्हीलर से आते हैं चाहे टू व्हीलर से आते हैं, यहाँ पे पार्किंग आप अपनी गाड़ी कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हॉल, यानी अगर आपकी पूरी बस के साथ आते हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं पूरी बस में भर के, यानी 40-50 लोग एक साथ आ रहे हैं, तो वो कहाँ पर रुकें? तो उसके लिए यहाँ पर कुछ हॉल बनाए हुए हैं, ये देख लीजिए, उसके लिए बने ये हॉल। ये जो पूरा हॉल है, यहाँ पे 40-50 आदमी आराम से रुक सकते हैं, जिसका चार्जेस मात्र 5000 रुपये है। इस पूरे हॉल का एक 5000 रुपये में पूरा हॉल बुक हो जाता है, जिसमें 40-50 आदमी आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे स्टोर है इनके रखने के लिए सामान सामान, इसके अलावा इनके वॉशरूम वगैरह भी हैं, यहाँ पे अलमारी बनी हुई है और बहुत बड़ा स्पेस है। तो जैसे बहुत सारे लोग किसी टूर में आते हैं, उनका पूरा एक ग्रुप होता है, तो वो भी यहाँ पे रुक सकते हैं मात्र 5000 रुपये में सबके सब लोग। ये देख लीजिए आप, अच्छा सर एक चीज़ और मुझे पूछना है कि अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो फ़ोन करके पहले पता कर सकते हैं कि कमरे हैं या नहीं है? वो कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है? 9419271274741088 इस पर पता करके रूम का पता कर लेगा, मतलब खाली है या नहीं है, तब आप। ऑनलाइन कोई बुकिंग होती है इसकी? ऑनलाइन नहीं, मतलब सीधे आके ये बुकिंग होती है, या तो फ़ोन करके पता कर ले बस, फिर आना यहीं पड़ेगा बुकिंग करना। ऑनलाइन एडवांस तो पैसे देंगे? अच्छा पैसे एडवांस देंगे ना, बुक करेंगे ना। हाँ, तो धन्यवाद अंकल जी। बाकी दोस्तों ये है यहाँ का रिसेप्शन ऑफिस, यहाँ पे भैया बैठते हैं, तो जब भी आप आएंगे यहाँ पे रूम ले सकते हैं। 400 रुपये से भैया रूम स्टार्ट है। हाँ ठीक। दोस्तों तपा धर्मशाला हर की पैड़ी से लगभग 3 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे के लिए ऑटो वगैरह भी चलते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आपको हर की पैड़ी के आसपास रूम वगैरह नहीं मिलते, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन आप पहले इनसे कांटेक्ट कर लेना कि यहाँ पे रूम खाली है कि नहीं है, तब जाके आप यहाँ पे आना। दोस्तों ये थी तपा धर्मशाला, जिसकी हमने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दे दी है। वैसे अगर कुछ छूट गया वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तपा धर्मशाला में, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कमरे खाली है कि नहीं है, वो आपको बता देंगे। बाकी अगर आपको बुक कराना है, तो आपको थोड़ी एडवांस पेमेंट करनी होगी, तब जाके आपको वो रूम प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये धर्मशाला दूर लगती है, तो आप हर की पैड़ी के पास भी अपने के लिए रूम देख सकते हैं। हर की पैड़ी के पास भी मैंने 5 सबसे सस्ती धर्मशालाएँ दिखाई हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और हर की पैड़ी के पास अपने के लिए रूम ले सकते हैं। वहाँ पर मात्र 50 रुपये में आपको रूम वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे रूम हमेशा बुक रहते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये धर्मशालाएँ दिखाई हैं। तो अगर आपको हर की पैड़ी के पास रूम नहीं मिलता, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने के लिए रूम यहाँ पे बुक करा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, अगर आप आते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड हर हर महादेव।